ये बच्चा बड़ा शैतान है, ये बच्चा बड़ा उद्यमी है, ये बड़ा दंगलबाज है, ये बच्चा बड़ा प्रमादी है, ये शब्द आपने सुने होंगे अक्सर हम छोटे बच्चों के लिए या जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं, कई बार निगेटिव वे में भी करते हैं जब बच्चा जरूर से ज़्यादा करे या डिस्टर्ब करे। इसमें जो शब्द है प्रमाद होना या प्रमादी होना, ये आज की भाषा जो बाद में हिंदी बन गई पाली से, उस भाषा के अंदर इसको प्रमाद बोला जाता है। मॉडिफाइड भाषा में, पुरानी भाषा में प्रवर्ड नहीं है, यानी पे और आधा रे नहीं है, ये है पमाद। और जो पमाद करते हैं यानी कि जो आलस करते हैं, इसका मतलब वहाँ से आता है, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा काम ना करने की शक्ति हो या जो आलस हो, जिनके अंदर झील ना होना हो, जो थके थके से रहते हैं, उनको कहते हैं कि ये पमादी है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कभी आलस नहीं करते हैं, जिनके अंदर बहुत झील होता है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको बोलते हैं अप्रमादी। और अप्रमादी को पाली में अपमाद बोलते हैं। अपमाद यानी कि ए के साथ पे लगता है तो बीच में आधा पे भी आता है, दो बार पे करके बोला जाता है अपमाद या अपमादी। अपमाद दूसरा वर्ग है, यानी दूसरा वर्ग है धम्मपद का। धम्मपद का यमक वर्ग 20 अपनी गाथाओं और कथाओं के साथ पूरा हो चुका है, आपने देखा सुना और आपने बहुत अच्छे अच्छे उस पर कमेंट किए। अब उसका 12 गाथाओं का, 12 कथाओं का एक सेट है जिसको अपमाद वग बोलते हैं। अपमाद का मतलब साधारण रूप से मैंने जो आजकल होता है वो आपको बताया, मगर उस समय या भगवान बुद्ध ने या भंगी बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने या भववान बुद्ध ने या भववतवान ने या भववंतु बुद्ध ने जो अपमाद का अर्थ बताया है, खास तौर से खुद के ज्ञान के लिए यानी अपने उत्थान के लिए, वो बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा है। यहाँ जो अपमाद हुआ है या पमाद हुआ है, यानी प्रमाद और अप्रमाद जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उसका मतलब ये है कि आप जब अपने साधना में बैठेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि बुराइयाँ जो हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो आपको घेर रही हैं, वो आपसे लिपटी हुई हैं। आलस है, क्रोध है, लालच है, वासना है, हर तरह की वासना है, या बहुत ज़्यादा कोई चीज से राग है या द्वेष है या मोह मूर्ता है, वो आपको पकड़ रही हैं, घेर रही हैं। आपको बिल्कुल भी प्रमाद में नहीं पड़ना, यानी कि जब वो घेरती हैं तो इसको उन्होंने प्रमाद बताया है कि ये प्रमाद में पड़ गया, राग द्वेष मोह में पड़ गया। और अगर आप इनसे दूर रह देते हैं, इनको पास नहीं आने देते हैं, तो उसको उन्होंने अप्रमाद बताया है, अपमाद, यानी कि अब ये प्रमाद में नहीं है, इनसे दूर है। तो यहाँ जो लड़ाई है प्रमाद की और अप्रमाद की, यानी कि अपमाद की और पमाद की, वो इतनी है कि आपको निगेटिव फोर्सेस, ये सारी गंदी चीज़ें जो जीवन को ख़राब करती हैं, शरीर को ख़राब करती हैं, परिवार को ख़राब करती हैं, मोहल्ले को ख़राब करती हैं, देश को ख़राब करती हैं, शहर को ख़राब करती हैं, वो आपको घेरेंगी और आपको आलस में लेके आएंगी। आपको इनको छोड़ते हुए इनको छोड़ना है और आपको अपमादी बन के इनसे लड़ना है और जीतना है। ये 12 गथा और कथाएं इसी बारे में है, ये उसका एक मैंने आपको छोटा सा परिचय दिया है। पहली कथा में आप बहुत ही सिंपल है। धन्यवाद।